कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन जारी रखा है। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उधर मोहिनुद्दीनपुर गौस गांव में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही हालात काबू में अब कर लिए गए हैं। पुलिस की 8 टीम फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि 3 जिंदगियां जमीन के एक छोटे से टुकड़े की वजह से खत्म हो गई और एक पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इस गांव में महज 10 बिस्वा जमीन की खातिर एक एक करके 3 इंसानी जिंदगियों को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। दरअसल गांव के रहने वाले होरीलाल के परिवार का गांव के ही कुछ लोगों के साथ 10 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस जमीन को लेकर राजस्व विभाग पैमाइश का काम भी पूरा कर चुका था, लेकिन गुरुवार शाम अचानक विवाद पनपा और आरोपियों ने होरीलाल के परिवार पर हमला कर दिया। होरीलाल इसी जमीन के पास झोपड़ी डालकर अपने परिवार के साथ रहता था। आरोपियों ने होरीलाल, उसकी बेटी और दामाद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गौस के पंडा चौराहे के पास देर रात ट्रिपल मर्डर हुआ है और ट्रिपल मर्डर के बाद हालात काबू हुए हैं और यहां पर आधे दर्जन से ज्यादा घरों में आगजनी की घटना हुई है। इस घटना के बाद यहां पर जो हालात बेकाबू हुए उसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स को यहां पर बुला लिया गया और अभी भी मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर यहां पर प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, इसके साथ ही साथ आईजी रेंज प्रयागराज चंद्र प्रकाश यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की है। जो 3 मृतक हैं, मृतकों में यहाँ पर बताएं आपको कि होरीलाल हैं, उनकी बेटी ब्रिजकली और शिवशरण दामाद हैं। तीनों के शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के बाद होरीलाल के परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने गांव में हंगामा करना शुरू कर दिया। गांव में कई घरों और दुकानों के साथ ही वाहनों में आगजनी की गई और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वारदात की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों पर तेजी के साथ एक्शन किया गया और अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें 6 लोग को उन्होंने नामित किया है, जिसमें से 1 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 2 लोगों का भी पता चल गया है कि कहां पे। लगभग 8 पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पे दबिशें दे रही हैं और साथ में यहां पे फॉरेंसिक की टीम आके सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके बहुत जल्दी साक्ष्य संकलित करके इस पे कार्रवाई करने का प्रयास कर रही। इसी के साथ ये भी पता चला है कि 4 लोगों के घर जो है इसी प्रतिक्रिया में जलाए गए हैं, जिसके संबंध में भी कार्रवाई होगी, जिसके संबंध में FIR लिखी जाएगी और कार्रवाई होगी। साथ में यहाँ पे जिला प्रशासन के भी लोग हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, मंडलायुक्त साहब प्रयागराज से आ गए हैं, हमारे IG रेंज साहब प्रयागराज से आ गए हैं। तो लगातार हमारे पास काफ़ी संख्या में PAC, स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस और सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं ताकि यहाँ पे जो स्थिति है उसको सामान्य रखा जा सके। लोगों के बीच में दुख है कि बड़ी घटना हुई है, 3 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें तत्कालिक कार्रवाई के लिए जो है सभी लोग लामबंद हैं। 1 आदमी का गिरफ्तार किया जा चुका है और 8 टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। ट्रिपल मर्डर से भड़के गांव वालों ने आरोपियों के 6 से ज्यादा घरों और दुकानों वाहनों में आग लगा दी है। हालांकि पुलिस ने सही वक्त पर कार्रवाई करते हुए गांव के हालात को काबू में किया और अब गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात भी काबू में है। FIR में कुल 8 लोगों को पीड़ित पक्ष ने नामजद किया है, जिसमें से अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने कर लिया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी 8 टीमें गई हुई हैं और बहुत शीघ्र ही हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो आला कत्ल है उसकी भी बरामदगी करेंगे। देखिए, एक जमीन है यहाँ पे जिसका विवाद काफ़ी समय से चल रहा था और सिविल कोर्ट में भी मामला विचाराधीन था। इससे पूर्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने आकर के यहाँ पर पैमाइश भी की थी और उनको बता भी दिया गया था कि ये ज़मीन उनकी है और वो उनके कब्जे में भी था, परंतु आज ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है तो इसको देखते हुए ADM साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा रही है। जमीनी विवाद में हुए इस ट्रिपल मर्डर के आरोपियों की तलाश पुलिस की कई टीमें कर रही है। उधर गांव के हालात पर भी काबू पा लिया गया है, हालांकि इस वारदात को लेकर तनाव साफ दिखाई देता है।
ट्रिपल मर्डर के बाद जिस तरह से भड़की है हिंसा, लोगों का गुस्सा भड़का है, उसके बाद गांव में जमकर तांडव हुआ है। हालांकि और किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों के साथ मारपीट भी की गई। ये बाइकें जली हैं, ये पंखा यहां पर जला है, स्कूटी जला है, तो तमाम परिवार ऐसे हैं कि जो अब दहशत में हैं, लेकिन स्थिति अब यहां पर नियंत्रण में है। दूसरी तरफ भी देखिए कुछ और बाइकें चलाई गई हैं, मतलब काफी संख्या में यहां पर बाइकों को आग के हवाले किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये देखिए कि घरेलू सिलेंडर में अगर आग लग जाती तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना हो सकती थी। तो यहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया है, यहाँ पर ये सिलेंडर पड़े हुए हैं। और जो गांव घर के लोग हैं, ये सुरेश सिंह लिखा हुआ है, देखिए ये खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में है, लेकिन आज ये खुद अपने गांव में ही एक हिंसा का शिकार हो गए हैं। यानी कि इनके घर में ही जो उपद्रवी थे वो आए और उनकी बाइक को चला दिया, साइकिल को चला दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तांडव यहाँ पर रात को हुआ होगा। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर सामान्य है, पीएससी को यहाँ पर तैनात किया गया है, अधिकारी यहाँ पर जिले के कैंप किए हुए हैं, डीएम और एसपी यहाँ पर कौशाम्बी के कैंप किए हुए हैं, खुद आईजी रेंज प्रयागराज चंद्रप्रकाश और कमिश्नर विजय विश्वास पंत यहां पर पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की हिंसा हुई है ट्रिपल मर्डर के बाद, इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 कौशाम्बी।